हमारे अगले गेस्ट है डॉक्टर रविराज शेट्टी। डॉक्टर रविराज शेट्टी व्यावसायिक चिकित्सक और सह संस्थापक है नरेटिव प्रैक्टिसेस इंडिया कलेक्टिव के। डॉक्टर शेट्टी ने मास्टर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेट जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम हॉस्पिटल मुंबई से किया है। मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण के प्रोग्राम नरेटिव प्रैक्टिसेस में मुंबई उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में लेते हैं। वे लाइब्रेरी एजुकेटर्स कोर्स किया है बुकपम ट्रस्ट गोवा से। सलाहकार है कम्युनिटीज, बच्चों, परिवार, बड़े और संगठनों में खोज और पुन लेखक के होने के पसंदीदा तरीके और दूसरे चिकित्सक के काम को सहयोग देते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी अपना मार्गदर्शन देते हैं। शिक्षक है नरेटिव प्रैक्टिसेस एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के, इंडियन जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये भी लिखते हैं। इन्होंने एक किताब जुगाड़ में अपना सहयोग दिया युवाओं को जो मेंटल हेल्थ पे है और उससे आज जुगाड़ इस किताब का निर्माण हुआ। आपका स्वागत है डॉक्टर रविराज शेट्टी और इनका साथ देंगी हमारी अपनी मिस वाइनस्टाइन दाबू, LSLS सर्टिफाइड AVT उपदेशक और कथा व्यवसायी, सह संस्थापक और प्रबंध न्यायसी है बी कनेक्ट फाउंडेशन के, प्रधानाचार्य सलाहकार है इंटीग्रेटेड सर्विसेज के जो सुनने और बोली जाने वाली भाषा के लिए है, 19 साल का अनुभव है वृत्तिक प्रैक्टिस में, ट्रस्टी है उमंग स्कूल जो कम सुनाई देने वाले लोगों के लिए है अहमदाबाद में, अतिथि संकाय है अभिषद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑडिटरी वर्बल थेरेपी है, एलेक्जेंडर ग्रहम बेल अकेडमी USA के साथ बोर्ड पर है समिति के सदस्य के रूप में जो सुनने और बोली जाने वाली भाषा की है और संगोष्ठी राजदूत है AGBEST 2022 के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ज्योति। धन्यवाद ज्योति, थैंक यू। मेरा नाम रविराज है जैसे ज्योति ने इंट्रोड्यूस किया, और मैं और वहिष्ठा ये आज कहानियां क्या होती है और कहानियों का हम पर क्या असर होता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और नैरेटिव प्रैक्टिसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। वैसे आप कुछ बोलना चाहेंगे शुरुआत से पहले? नहीं, सभी को वेलकम। और ये एक्चुअली हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे 20 माता पिता ने उम्मीद के साथ और रविराज के अंडर एक मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कोर्स किया है और हम रेगुलरली ये वर्कशॉप्स हमारे पेरेंट्स के लिए लेते हैं। पर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे साथ नॉट ओनली पेरेंट्स है पर प्रैक्टिशनर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक छोटी सी झलक उनको ये नैरेटिव प्रैक्टिसेस के ऊपर मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स द जर्नी इज स्टिल लॉन्ग, वी कैन ऑलवेज कीप डूइंग मोर। थैंक यू। तो हमने ये सोचा कि हम आपके साथ शेयर करेंगे नैरेटिव प्रैक्टिसेस क्योंकि हम दोनों मानसिक स्वास्थ्य के काम में इस्तेमाल करते हैं इसका, और परिवारों के साथ, बच्चों के साथ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के साथ। तो हम सोच रहे थे कि छोटा सा आपको अनुभव दे कि नैरेटिव प्रैक्टिसेस क्या होता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट में या आपके क्वेश्चन आंसर सेक्शन में सोचे कि आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है सामने, इस फोटो में आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है। Dad is telling the kid to clean the room, messy room, and an upset parent. Father is shouting at the child for messing the room, messy room. Father scolded the child. Full mess, father telling a child to clean up. Okay. So, untidy room. So, ज्यादातर लोगों ने बोला कि आप जब फोटो देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि untidy room है, messy room है, उसको डांट पड़ रही है, पिताजी है, ये जो इंसान है वो पिताजी है। अभी ये कहीं पे भी लिखा नहीं है फोटो में, बट आप सबने कहीं ना कहीं ये फोटो देखकर मतलब बनाया, और बहुत सारे मतलब बनाए। एक तो कि ये मैसी रूम है और ये पिताजी है और वो बच्चा है, ठीक है, ये कहीं पे भी लिखा नहीं था, आप सबने इसका मतलब बनाया। अब देखते हैं कि जब हम बच्चे को पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो बच्चा क्या बताता है, क्या लग रहा है आपको कि बच्चा क्या बता रहा है। ये सेम रूम है बट ये बच्चे के नजरिए से है,
और ये जो बड़ा इंसान है उसके नजरिए से है। अब क्या हुआ? आप चैट में लिख सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है अभी। Props for story playtime. Child wants something. The kid says the room is like that because he wants it that way. Mm-hmm. There is a story. He is trying to tell his imagination story. Child's world is of fascination. Shukriya. ये तो देखा कि बच्चे के नजरिए से जब हम देख रहे तो वही room जो मैसी था, जो अनटाइडी था, जो अनक्लीन था, वो एक्चुअली एक कहानी है, एक इमेजिनेशन है, एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो उसकी दुनिया है। तो हम ये उदाहरण के पर सोच रहे हैं कि कैसे दोनों इंसान एक ही रूम को देखकर अलग अलग मतलब बना रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। ये एक रोमांटिक डिनर है जहाँ पे दो लोग डेट पर गए हैं और वो लोग खाना खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं और नूडल्स कम होते जा रहे हैं। मतलब एक ही नूडल है जो उनके दोनों के मुंह में है। अब क्या होगा, आपको क्या लगता है अगले फोटो में क्या होने वाला है? आप चैट पे डाल सकते हैं कि अगले फोटो में क्या होगा। शेयरिंग द सेम नूडल, Kiss. One lets go. Noodle will break. Noodle breaks apart. Sad, it's over. Thank you so much. तो आप लोगों ने बोला कि किस हो सकता है, नूडल्स ब्रेक हो सकता है, वो लोग उदास हो जाएंगे कि नूडल्स खत्म हो रहे हैं। पर मैं कोई और बता रहा है, like, I think chat yeah, में yeah. Half half खा लो. They might offer each other to finish the noodles. Okay. बहुत प्यारे हैं एक दूसरे से, half half happy and content with what little they have. Okay. But मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये joke है but funny joke है। ये होता है photo में, तो ये एक जोक है बट हम क्या सोच रहे हैं कि आप सबने बोला किस करेंगे, खुश रहेंगे, आधे आधे कर देंगे, जितना है उतने में खुश रहेंगे, बट ये पॉसिबिलिटी किसी ने नहीं सोची कि वो नूडल्स खींच लेंगे और उस इंसान को अपने साथ खा लेंगे क्योंकि वो शेयर नहीं करने वाले हैं। अब ये पॉसिबिलिटी हमने क्यों नहीं सोची, ये हमको जानना है कि क्यों हमने सिर्फ किस नूडल्स शेयर करेंगे, एक दूसरे से खुश रहेंगे, एक दूसरे को पूछेंगे तुमको खत्म करना है, ये सारी पॉसिबिलिटी ही क्यों सोची और ये वाली पॉसिबिलिटी हमने क्यों नहीं सोची। इज देयर समथिंग, कुछ चैट पे कुछ लिख रहा है, yeah, आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं न्यू थिंकिंग, इट कैन बी, पीपल आर आल्सो लाफिंग, इट कैन बी द अदर वे अराउंड टू, द गाय ईट्स द गर्ल. We don't expect the worst in our life. We just live our life with good intention because it's a love story. Yeah. Thank you. Someone, yeah. कोई पूछ रहा है ये क्यों हुआ? हाँ, जो हमको नहीं पता है कि क्यों हुआ, पर ये कि हम जैसे किसी ने बोला कि हम अच्छी चीजें सोचते हैं तो उस हिसाब से हम अच्छे actions आगे सोचते हैं। तो हम नैरेटिव प्रैक्टिसेस जब इस्तेमाल करते हैं तो हम कुछ चीजें हमारे दिल में रखते हैं जब हम लोगों के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं। तो पहली चीज ये सोचते हैं कि हर इंसान मतलब बनाता है, हर इंसान मतलब बनाता है उस उनके अनुभवों का, वो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने आसपास की दुनिया के बारे में मतलब बनाते रहते हैं। जैसे कि पहले इमेज में जब बच्चे को पूछा तुम क्या देख रहे हो, तो बच्चे ने बोला कि ये फैंटास्टिक वर्ल्ड है, इमेजिनेशन है, जुरासिक पार्क है, डायनासोर्स है, लायन है। तो ये बच्चे का मतलब बनाने का सिस्टम हो गया। जब वो बड़े इंसान को पूछा तो उसने बोला कि अनटाइडी है, मैस है, साफ कर दो, तो ये बड़े इंसान के मतलब बनाने का अनुभव हो गया। तो हम हमेशा मानते हैं कि हर एक इंसान, बच्चा, बड़ा, सब लोग मतलब बनाते हैं,
तो हम इंटरेस्टेड है कि आप क्या मतलब बना रहे हो इस अनुभव का। उदाहरण के तौर पर पिछले साल जैसे यहाँ पे बहुत सारे रास्ते पे कुत्ते रहते हैं, लोगों के घर में कुत्ते रहते हैं, और मुझे कुत्तों से थोड़ा डर है क्योंकि पिछले साल मुझे दो कुत्तों ने एक साथ काटा था और बचपन में भी काटा है। तो इसके वजह से जब भी मैं कुत्ता देखता हूँ मेरा पहला अनुभव मतलब बनाना रहता है कि डर, कि मुझे उसके पास नहीं जाना है। बट मेरी जो दोस्त है उसका पहला अनुभव है जाके वो कुत्ते को गले लगाएगी, फिर उसको पेट करेगी, उसको कुछ खाने के लिए देगी, और हम दोनों का जो अनुभव है क्योंकि वो बचपन से कुत्तों के साथ बड़ी परी है, उसने कुत्तों के साथ प्यार किया है, कभी उसको कुत्ते ने काटा नहीं है, तो कैसे हम दोनों का जो अनुभव है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान अपना मतलब अपने जीवन के अनुभव से बनाता है। जैसे आपने बोला कि हम अच्छी चीजें सोचते हैं क्योंकि हमने वही सीखा है, तो हम सोचते हैं कि वो लोग किस करेंगे या शेयर करेंगे। अगर हम वर्स्ट सोचते हैं हमेशा लाइफ के बारे में, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी वर्स्ट चीजें हुई है, तो हम उस हिसाब से वर्स्ट चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं। और दूसरी आइडिया हम सोचते हैं कि जो हम मतलब बनाते हैं उस हिसाब से हम फिर फ्यूचर में एक्शन लेते हैं। अगर मैं ये मतलब बनाता हूं कि कुत्ते हमेशा काटते हैं तो मैं उनसे दूर रहूंगा। अगर मैं ये मतलब बनाता हूं कि मैं एक बुरा इंसान हूं क्योंकि मैंने हर बार अपने जीवन में सिर्फ यही देखा है कि मैंने बुरी चीजें की है, तो फिर ज्यादातर मेरा एक्शन बुरा ही रह सकता है। अगर मैं ये मतलब बनाता हूं कि डिसेबल्ड बच्चे कमजोर है, कि डिसेबल्ड बच्चों को कम समझ आता है, कि डिसेबल्ड बच्चे एबल बच्चों जैसे नहीं बिहेव कर सकते हैं, तो फिर मैं डिसेबल्ड बच्चों को कभी अपॉर्चुनिटी दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ये मतलब बनाया है डिसेबल्ड बच्चों का। अगर ये मैंने माना है कि ये मतलब बना रहा हूं कि ये सब डिसेबिलिटी सब माँ का ही प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादातर फिर थेरेपी में माँ को ब्लेम करूंगा और फिर माँ को बोलूंगा अच्छा तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। तो कैसे हम जो मतलब बनाते हैं वो पूरा एक्शन चेंज करता है। अगर मैं ये मानता हूं कि डिसेबल बच्चे उतने ही काबिल है जितने एबल बॉडीड बच्चे हैं, तो मैं उतना ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज डिसेबल और एबल बच्चों को इक्वली दूंगा। अगर ये मैं मानता हूं कि माँ की कोई गलती नहीं है डिसेबिलिटी में, जो मैं दिल से मानता हूं, तो मैं उसी माँ को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ बात करूंगा और उनको कभी ब्लेम नहीं करूंगा अपने थेरेपी में क्योंकि मैं वो मतलब बना रहा हूं। बट ये मतलब हम बनाते कैसे हैं? ये मतलब हम बनाते हैं कहानियों के जरिए। हम मानते हैं नैरेटिव प्रैक्टिसेस में कि हम कहानियों से बने हैं, कि कहानियां हमको बनाती है। जो भी कहानियां हमने सुनी है बचपन से, जो कहानियां हमको बोली गई है बचपन से, उन कहानियों से हम बने हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे घर में दोनों मेरे माता और पिता ने स्कूल कंप्लीट नहीं किया है। मेरी मम्मी ने 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है और पापा ने 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, और मैं और मेरी बहन पहला जनरेशन है जिसने स्कूल और कॉलेज कंप्लीट किया और प्रोफेशनल कोर्सेस किए। अब बहुत लोग सरप्राइज होते हैं कि ये कैसे हो गया ना, क्योंकि बचपन से हमने कहानियां, और मैं डॉक्टर तो दूर दूर तक की बात है कि कोई डॉक्टर बन सकता है या थेरेपिस्ट बन सकता है, पर जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं कहानियां सुनता था डॉक्टर्स की, कि डॉक्टर्स कैसे लोगों को बचाते हैं। और ये टीवी सीरियल आती थी, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, संजीवनी करके स्टार प्लस पे, जहां पे एक न्यूरोसर्जन और एक गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं, और मैं जब भी उनकी कहानियां सुनता था तो मुझे ऐसे लगता था कि अरे मुझे उनके जैसे बनना है। और मेरी माँ दूसरों को बोलती थी हमेशा कि मेरा बच्चा बहुत ही होशियार है और वो बहुत मन लगा के पढ़ाई करता है। क्योंकि ये कहानियां मैंने बार बार सुनी, मुझे ऐसे लगा था कि मैं पॉसिबली डॉक्टर बन सकता हूं, और मैं बना क्योंकि वो कहानियां मैंने बार बार सुनी।
अगर मैंने ये कहानियां सुनी होती कि तुम डॉक्टर बन नहीं सकते, और मैंने कभी डॉक्टर्स की कहानी सुनी ही नहीं होती क्योंकि हमारे घर में किसी ने पढ़ाई नहीं की है, तो शायद से मैं डॉक्टर नहीं बनता, क्योंकि मुझे वो पॉसिबिलिटी ही नहीं पता होती। डिसेबल बच्चों को अगर बचपन से बोला गया है कि वो कमजोर है, वो उनके पास क्षमताएं नहीं है, वो कम है किसी तरीके से, अगर यही कहानियां उनको बार बार बोली गई होगी तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पास वो कहानियां हैं अपने बारे में जो उनको कमजोर कर देती है। तो हम मानते हैं कि हमारा जीवन एक खुले आसमान जैसा है जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं। अभी तारे तो इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं आसमान में। अगर हमने ये माना कि हमारा जीवन एक खुले आसमान जैसा है जिसमें बहुत सारे तारे हैं और हर एक तारा हमारी एक कहानी है जीवन की, तो हमारे जीवन में कितनी कहानी हो सकती है। पर बहुत बार इस समाज में, हमारे काम में, कुछ तारों पर ही फोकस किया जाता है और वो तारे ज्यादातर कमजोर के तारे, प्रॉब्लम के तारे होते हैं कि क्या ठीक नहीं कर रही है, किस में कमजोर है ये लड़की, क्या अच्छे से नहीं कर रही है, किस में और प्रोग्रेस करना है। तो ज्यादातर फोकस प्रॉब्लम कहानियों पे या प्रॉब्लम तारों पे रहता है। पर अगर हम अपना नजरिया थोड़ा सा हटा दे और सोचे कि अगर आसमान में बहुत सारे तारे हैं, तो क्या हमारी कहानियों में वो तारे भी हैं जो बहुत छोटे हैं बट वो हमारी क्षमताओं के बारे में कुछ बता रहे हैं, वो हमारी क्वालिटीज के बारे में कुछ बता रहे हैं, वो हमारी अच्छी चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे काम में, नैरेटिव प्रैक्टिसेस में, हम ज्यादातर उन कहानियों को ढूंढते हैं जो प्रॉब्लम कहानियां नहीं है, जो कहानियां लोगों की अच्छाइयों के बारे में, लोगों के मूल्यों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में कुछ बताना चाहती है। तो हम फोकस करते हैं कि कैसे हम उन कहानियों को बताएं जिससे लोग अपने आप को, अपने पहचान को इन कहानियों से बनाएं, ना कि प्रॉब्लम की कहानियों से बनाएं। और ये जो रविराज बोल रहे हैं तो बहुत गहरी चीजें हैं, बहुत सोचने वाली चीजें हैं, क्योंकि हमें सदियों से बोला गया है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप में ये कमियां हैं या आप में प्रॉब्लम है। हमेशा लोगों को बोला जाता है कि तू ये नहीं करती, या बच्चे को बोला जाता है कि तू ये नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति समस्या या इंसान समस्या नहीं है, समस्या समस्या है। वो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम व्यक्ति को समस्या के साथ जोड़ देते हैं तो फिर व्यक्ति समस्या बन जाता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत टाइम हमारे काम में, और इवन मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जब भी किसी ने मुझे एक बार कहा था जब भी मैं थेरेपिस्ट बनी कि आपको स्टेज पे बोलना नहीं आता है या आप स्टेज पे सही से नहीं बोलते हैं, तो ये चीज मेरे दिमाग में चली गई। और हमेशा मैं जब भी स्टेज पे जाती थी तो मुझे डर लगता था, क्योंकि मेरे माइंड में वो ही स्टोरी चल रही थी कि मैं सही स्टेज पे अच्छे से नहीं बोल सकती हूँ। तो ये स्टोरी मेरे दिमाग से और मेरे शरीर के अंदर जुड़ गई और ये प्रॉब्लम मेरे अंदर चला गया। जब ही किसी ने मुझे एक दिन बोला कि नहीं, आप तो बहुत अच्छे से लोग के सामने बात कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये चीज मेरे दिमाग में आई कि रियली ऐसा हो सकता है। तो ये मैं यहाँ क्यों बोल रही हूँ, ताकि हम हमारे दिमाग से और शरीर से
ये प्रॉब्लम स्टोरी को थोड़ा सा दूर करके हम वो प्रॉब्लम को देखे दूसरे नजरिए से कि ओके मैं तो अच्छी इंसान हूँ और मैं मेरे पे कॉन्फिडेंस है वगैरह, तो प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, जब ही मैं प्रेजेंट करने जाती हूँ तो क्या तकलीफ है, मैं क्यों प्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने वो दूर जाके वो प्रॉब्लम को देखा तभी मुझे उसके ऊपर सॉल्यूशंस खुद ब खुद दिखने लगे। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत बार माताओं को ये बोला जाता है कि आप अच्छा खाना नहीं बना सकते हैं या आप अच्छी माँ नहीं है, तो ये माताएं ये सुन सुन के उनके दिमाग में ये हो जाता है कि हाँ मेरा खाना अच्छा है ही नहीं या मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, तो ये प्रॉब्लम वो इंटरनलाइज हो जाता है, उनके दिमाग में चला जाता है, उनके शरीर में उनको लगता है कि हाँ मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ। दूसरी चीज ये भी है बहुत बार और ये मैंने देखा है कभी कभार हमारे थेरेपी सेशंस में, कभी कभार गलती से, ये जानबूझ के नहीं, हम थेरेपिस्ट भी कभी कभार माताओं को बोल देते हैं कि आप इनफ नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं, इसके लिए बच्चे के का प्रोग्रेस नहीं। यहाँ पे जैसे ये चीजें माताएं सुनती है तो ये चीज अगेन वो बार बार सुनते हैं तो ये उनके शरीर के अंदर चला जाता है और जो भी वो छोटी सी एफर्ट करते हैं वो चीज को करने के लिए तो वो वापस वो डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज है कि एज प्रोफेशनल्स भी हम ये चीज देखें कि जो माताएं जो काम करती है वो चीज को अप्रिशिएट करना और उनको प्रॉब्लम के साथ जुड़ना नहीं। तो एक छोटी सी चीज, अभी बहुत सारी ऑनलाइन थेरेपीज चल रही है, हम जो बच्चे के साथ ऑनलाइन थेरेपी कर रहे माताएं बहुत मुश्किल से एक छोटे से मोबाइल फोन पे उनको बिठा के थेरेपी करवाते हैं और टीचर बोलेगी कि बच्चा अच्छे से नहीं बैठता है वगैरह वगैरह, पर सपोज टीचर ने आज बोला कि मैंने देखा कि आपका मोबाइल फोन आपने बहुत अच्छे पोजीशन में रखा था और जब भी आपने अच्छे पोजीशन में रखा था तो बच्चा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था। सिर्फ उतना एक छोटी सी चीज अप्रिशिएट करना तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा क्रैक बन जाता है, वहां एक छोटा सा क्रैक में से जो पेरेंट है वो एक छोटी सी लाइट से वो देख सकती है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ और खुद को वो प्रॉब्लम स्टोरी में में से थोड़ा सा अलग देखने लगते हैं। दूसरी चीज के हमें एक एज प्रोफेशनल्स और इवन इंसान के दौर पे हमें हर इंसान को डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ देखना है। इवन बहुत बार हस्बैंड वाइफ में भी ये होता है कि कभी कभार पापा ही बोलते हैं कि ये देख तूने उसके साथ काम नहीं किया है या खाना अच्छा नहीं बना है, तो ये इंसान के अंदर उसको तोड़ देता है। पर यहाँ पे जब भी पापा बोलते हैं कि आज चपाती बहुत अच्छी बनी है, छोटी सी चीज सिर्फ चपाती के बारे में, तो माँ को लगता है हाँ कुछ मैंने अच्छा किया, मैं कुछ कर सकती हूँ। दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट करना वो बहुत मूल्यवान चीज है हमारे लिए। रविराज, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? जब मैं आपके उदाहरण सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे इसके वजह से शर्म और गिल्ट कम हो जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि आप प्रॉब्लम नहीं हो, आप प्रॉब्लम है। तो जब हम प्रॉब्लम और इंसान के बारे में अलग अलग तरीके से बात करते हैं तो कैसे शर्म और
गिल्ट नहीं आता है, बट हम दो इंसान रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि अगर हम एक माँ को देख सके कि वो कर रही है कुछ, ना कि हर बार उसमें डेफिसिट है, वो कुछ नहीं कर रही, अगर वही देखते रहेंगे तो हम उस माँ को बार बार यही कहानियां बोल रहे हो कि आप इनाफ नहीं हो, आप ठीक नहीं हो, आप ठीक से नहीं कर रहे हो, आप बुरी माँ हो, कहीं ना कहीं हम उनको बता रहे हैं। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि हम इंसान और ये बहुत जल्दी से हम जजमेंट के ऊपर चले जाते हैं, हम दूसरे लोगों को बहुत जल्द ऐसे चुटकी में जज कर देते। मैं एक उदाहरण एक देना चाहूंगी कि एक दिन एक मेरे कॉलोनी में एक जो इंसान जिनको मैं पहचानती थी वो जा रहा था, और इमीडिएटली मेरे दिमाग में आया, और उसका जस्ट डिवोर्स हो गया था, इमीडिएटली मेरे दिमाग में आया कि अरे कुछ तो प्रॉब्लम होगा, क्या हुआ होगा, उसने ये किया होगा या उसने ये किया होगा। पर तभी मैं मेरा नैरेटिव थेरेपी का कोर्स कर रही थी और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि मैं कौन होती हूँ, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, मैं कौन होती हूँ उसको जज करने के लिए, मुझे उसका प्रॉब्लम भी नहीं पता है, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, उसकी वाइफ को भी नहीं जानती हूँ। तो ये चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले ले दूसरे इंसान को जज करने के पहले, तो आई थिंक हमारी दुनिया एक बहुत बेहतर दुनिया बन सकती है। और लास्ट जो आइडिया हम नैरेटिव प्रैक्टिसेस में सोचते हैं कि कैसे हर एक इंसान में क्षमताएं रहती है, हर एक इंसान में कहीं ना कहीं तरीके रहते हैं प्रॉब्लम से जूझने के लिए, और एक हम शब्द इस्तेमाल करते एजेंसी, और मैं क्विकली एजेंसी को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको समझिए हमारे पास गाड़ी है और हम अपनी गाड़ी को अपने जीवन में चला रहे हैं, बट बहुत बार जैसे कि डिसेबिलिटी होती है और डिसेबल बच्चों के माता पिता के पास से इस गाड़ी को चलाने का हक छीना जाता है और कोई और उनकी गाड़ी चलाता है जो उसको उस तरीके से लेकर जाने की कोशिश करता है जहां पर उनको नहीं जाना है। बहुत बार डिसेबल बच्चे रोते हैं थेरेपी सेशंस में, बोलते कि मुझे नहीं करना है क्योंकि कोई और उनकी गाड़ी चला रहा है, या माताओं को कोई पूछ नहीं रहा है कि आपको क्या करना है, आपके क्या गोल्स है। तो हम मानते हैं कि हर एक इंसान के पास गाड़ी चलाने की क्षमता है, पर अगर हम उनको पूछे तो वहीशाई का जो एग्जाम्पल था कि कैसे ये माँ मोबाइल को अच्छे से रख के सेशन कर रही थी, तो मेरा अगला प्रश्न उस माँ को रहेगा कि ये आपने कैसे सीखा इस मोबाइल को ऐसे रखने के लिए, ये आपने कैसे सीखा। मुझे एक माँ बता रही थी कि कैसे वो अपने बच्चे को पिता के साथ रात को लोग रोज किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ने के लिए लोग लाइट बंद कर देते हैं, टॉर्च लगाते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि ये आपने कैसे सीखा ना? और मैं ये प्रश्न तभी पूछ सकता हूँ उनको जब मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान में अपने आप से सीखने की क्षमता है। जब छोटे बच्चे मुझे बोलते हैं कि उनको बहुत बुरे सपने आते हैं और एक रात वो अच्छे से सो गए, तो मैं उनको पूछा अरे तुमने क्या किया जिससे तुम ऐसे सो गए? ओ मैंने ना शाहरुख खान को बुलाया और शाहरुख खान ने सारे मॉन्स्टर्स को भगा दिया। ओ वाह कैसे किया तुमने शाहरुख खान को लाया? और फिर वो मुझे अपनी तरीके बताएंगे कि कैसे वो बुरे सपनों से लड़ते हैं जो शायद से मुझे कभी आइडिया नहीं होगा। बट ये मैं प्रश्न उनको तभी पूछ सकता हूँ जब मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान में प्रॉब्लम से जूझने की क्षमताएं है और हमको सिर्फ जिज्ञासा बतानी है उस क्षमताओं के तरफ। तो ये है नैरेटिव प्रैक्टिसेस के की आइडियाज, और बहुत सारे तरीके हैं जो हम कोर्स में सिखाते हैं जिससे कि कैसे हम इन की आइडियाज को या इन मूल्यों को आप एक्शन में ला सकते हैं। ये बहुत छोटी सी झलक थी, ये कोर्स एक पूरा एक साल का कोर्स होता है और हमने ये 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया छोटा सा झलक देके। कोई प्रश्न कोई विचार? कोई बोल रहा है कि वेरी ईगर टू डू दिस कोर्स।
किसी ने बोला वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग सेशन, किसी ने बोला स्मॉल अप्रिसिएशन वर्क्स वंडर्स, इट एक्ट्स एज अ बूस्टर, किसी को कोर्स में इंटरेस्ट है, कोई पूछ रहा है हाउ टू मेक चाइल्ड मोर कंफर्टेबल एंड स्टेबल इफ चाइल्ड इज हैविंग शॉर्ट टेम्पर एंड डज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंज. Is narrative about, sorry, मैं एक और पढ़ लूंगी, is narrative about how we interpret things or is it the way we actively help out? So, जो दूसरा प्रश्न है कि narrative practices क्या है, क्या सिर्फ हम जो मतलब बनाते हैं कि दूसरा हम actively कैसे help करते हैं अपने आप को और दूसरे लोगों को. I think narrative practices दोनों है कि कैसे हम मतलब बनाते हैं बार बार और कैसे हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को हेल्प कर रहे हैं. तो वो दोनों कहानियों पर फोकस रहता है नैरेटिव प्रैक्टिसेस में. और जो दूसरा प्रश्न है कि बच्चा शॉर्ट टेम्पर्ड है और चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए, आई थिंक गरिमा का पॉइंट, मैं अभी चैट पढ़ पा रहा हूँ, गरिमा का पॉइंट था कि आई थिंक इट्स एन इम्प्रेशन ऑफ द चाइल्डहुड. What the kids face as a child, the same will reflect as a grown-up human being. And I love that point, क्योंकि गरिमा ये बोल रही है कि अगर बच्चों को बचपन में ये impression, जो भी impression दिया जा रहा है वो बड़े होकर वही होते हैं. तो अगर बचपन से हम बच्चे को बोल रहे हैं कि वो short-tempered है और challenge accept नहीं कर रही है तो वो बड़ी होकर वैसे ही बनती है ना. But अगर हम एज पेरेंट्स और एज थेरेपिस्ट थोड़ा बाजू में हट के देखने की कोशिश करें कि क्या कौन सी चीजें ये कर रही है जहाँ पे वो शॉर्ट टेम्पर नहीं ला रही है, जहाँ पे वो चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रही है. और हर एक बच्चा कर रहा है, कोई भी बच्चा टोटली शॉर्ट टेम्पर या टोटली चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला नहीं हो सकता, ये मैं कभी बिलीव नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे जीवन बहुत सारे तारे हैं ना. तो अगर हमारा फोकस सिर्फ शॉर्ट टेम्पर और चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले तारे पर रहेगा तो हम वही चीजें देख पाएंगे. पर अगर हम दूसरी तारों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि वो बच्चा चैलेंजेस भी एक्सेप्ट कर रहा है और बहुत सारी पेशेंस भी बता रहा है. और अगर हम उन कहानियों को और उसको वो फीडबैक दे तो आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा. एक और है मैम, मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट अनवांटेड वी टेल आवर किड्स मेनी टाइम्स दैट योर किड इज डूइंग वेल, माय किड्स आर नॉट रेडी टू लर्न थिंग्स. आई कीप शोइंग देम पॉजिटिवली एवरी डे एंड मेनी टाइम्स आई गिव अप एंड गेट एंग्री. श्वेता बोल रही है कि कैसे वो बहुत बार अपने बच्चों को बताती है कि वो कैसे अच्छे से, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट बच्चे सीखने के लिए रेडी नहीं है. और बहुत बार श्वेता गिव अप कर देती है क्योंकि वो गुस्से में आ जाती है. तो श्वेता, मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक तो दो तीन चीजें, एक कि आपको आप क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए. दूसरा कि बच्चों को क्या सीखने का इच्छा है, कि वो क्या सीखना चाहते हैं, कि वो ऑलरेडी क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है. तो मैं जानना चाहूंगा कि बच्चे को क्या सीखना है, क्योंकि बहुत बार जब बच्चे रेडी नहीं रहते हैं कुछ भी करने के लिए, मुझे लगता है कि क्योंकि बड़े उनसे जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको सीखना नहीं है. जैसे कि वो पिताजी उस रूम में बोल रहे थे कि तुम्हारा रूम मेस है और बच्चा बोल रहा था कि इमेजिनेशन है. तो वो जो मतलब बनाने का जो फर्क है उसको हम कैसे ब्रिज करें. तो मैं जानना चाहूंगी कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चा क्या सीखना चाहता है और किस तरीके से सीखना चाहती है. और तीसरी बात यह है कि जब हम बच्चों को बताते हैं ना कि वो क्या अच्छे से कर रहे हैं, तो जैसे वहिष्ठाई ने बहुत इंटरेस्टिंगली वो एकदम स्पेसिफिक तरीके से बताना है कि वो अच्छा क्या कर रहा है. और स्पेसिफिक मतलब कि आपने ये मोबाइल कितने अच्छे से रखा है, ये नहीं कि आप अच्छे से कर रहे हो बट मोबाइल कैसे अच्छे से रखा है. तो हम वो चीज पर हाईलाइट कर रहे हैं जो हम चाहते हैं कि बार बार हो. कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई करते वक्त
हैंडराइटिंग अच्छे से लिख रहा है या फिर अच्छा स्पेस छोड़ रहा है हैंडराइटिंग के बीच में, वर्ड्स के बीच में। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मैं ये बोलूंगा कि तुमने शब्दों के बीच में कितने अच्छे से जगह छोड़ी है। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स में फर्क है, एक बहुत ही स्पेसिफिक है। तो अगर हम स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स देंगे तो वो काफी बेहतर रहेगा। What happened? The atmosphere is good following all positive things, but the temperament of child kid don't change. Then I will suggest to then मैं ये चाहूँगा कि अगर atmosphere अच्छा है, बाकी सब चीजें अच्छी है, आपको लगता है फिर भी बच्चे का स्वास्थ्य आपको लगता है थोड़ा different है, तो मैं चाहूंगा कि आप therapist को बताएं या we connect को रीच आउट करें। वी कनेक्ट में मेंटल हेल्थ फैसिलिटेटर्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं पूछने में क्या कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रविराज एंड वाइंस्टाइन, द सेशन वाज जस्ट वाओ, सीरियसली आई मीन देयर इज सो मच टू लर्न। कितना कुछ सीखने के लिए हम पेरेंट्स के लिए कि हम बच्चों के साथ कैसे बिहेव किया जाए, कैसे अप्रिशिएट करें उन्हें। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति।